Good morning everyone. We start complex analysis, fourth unit. We numbers से आप familiar हैं, real numbers, imaginary numbers, ठीक है? अभी तक हमने उनको अलग अलग, real numbers अलग हैं, imaginary numbers अलग हैं. अब जब आप इनको combine कर देते हैं, एक real part में और second imaginary part में, तो फिर एक जो variable जो form होता है, this is known as a complex variable. और इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जो फंक्शन कंटेन करते हैं नो दैट फंक्शन नोन एज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. यहाँ देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन कैसे होगा, वो दो पार्ट में उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक रियल पार्ट और सेकेंड इमेजनरी पार्ट. इमेजनरी पार्ट जिसमें आयोटा टर्म है और रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा टर्म है. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जनरली हम डिफाइन करते हैं जेड से. जेड इक्वल्स टू उसका जो फॉर्म है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. ये देखिए यहाँ पर, इसमें जो एक्स पार्ट है जो विदाउट आयोटा पार्ट है, एक्स ज़रूरी नहीं उसमें एक्स हो या वाई हो, वो तो एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं जब हम जेड, तो उसका फॉर्म फिक्स है एक्स प्लस आई वाई. ये रियल पार्ट और ये सेकेंड इमेजनरी पार्ट. अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर. कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी सेम, उसका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है, बट उसमें वो फंक्शन रहेगा फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू यू प्लस आई वी. अब इसमें भी फिर वो ये दो पार्ट में कैटेगराइज है, फर्स्ट रियल पार्ट और सेकेंड इमेजनरी पार्ट. तो जनरली जो u है वो रियल पार्ट होता है और सेकेंड v इमेजनरी पार्ट. अब यहाँ पर ये दोनों ही u और v, ये दोनों किसके फंक्शन है, x और y के फंक्शन है, ठीक है? तो फॉर्मेट आपका फिक्स हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए x प्लस आई वाई और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए u प्लस आई वाई, ठीक है? ये हो गया आपके फंक्शन ऑफ x एंड y, u. अब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए उसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक फंक्शन. अब इस हार्मोनिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन को प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हमें कॉची रीमान इक्वेशन है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है. कॉची रीमान इक्वेशन, इन शॉर्ट CR इक्वेशन. हम हमेशा CR इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पूरी यूनिट में CR इक्वेशन. अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ z, उस फंक्शन ऑफ z को अगर आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है या एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है, आपको सिर्फ ये CR इक्वेशन होल्ड करवानी है. क्या है CR इक्वेशन, ये u और v, इन दोनों जो u और v हैं, इन दोनों को आपको x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि u और v डबल वेरिएबल फंक्शन है. जब भी आपके डबल वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन होता है, उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं. अब इस CR इक्वेशन में आप ये दोनों इक्वेशन होल्ड करवाइए. u को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दिस इज इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल y, एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x. ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है. सेम आपको पोलर फॉर्म में भी सेम चीज़ रहेगी, सेम टर्म, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, पार्शियल कार्टेशियन भी और पोलर फॉर्म भी. तो आप x और y को हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं. x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ये वैल्यूज रखिए आप किसमें, z में. यहाँ से r कॉमन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर आई थीटा. ये हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी थी. तो z इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई थीटा. ये है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर पोलर फॉर्म की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि z इस टाइप से डिफाइन होता है, पोलर में और ये कार्टेशियन, ठीक है? अब अगर पोलर फॉर्म में आपको प्रूफ करना है एनालिटिक फंक्शन, तो उसके लिए ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन आपको होल्ड होगी, थीटा और r के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और इसमें आप पुट करो वैल्यूज और फिर आप चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अगर ये इक्वेशन होल्ड हो जाएगी, दैट मीन्स वो फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन ऑफ z, वो किस टाइप का फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन या फिर हार्मोनिक फंक्शन.
अब बेटा हार्मोनिक फंक्शन है, एनर्जेटिक फंक्शन है, उसके बाद उसमें एक टर्म और है हार्मोनिक फंक्शन और सेकेंड है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। उस हार्मोनिक फंक्शन के लिए हमें एक लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी होती है। क्या है वो लाप्लास इक्वेशन? मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इस फंक्शन को आप एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करो, उसका समेशन फाइंड करो, वो समेशन क्या आना चाहिए? ज़ीरो, ठीक है। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन होल्ड होती है किसके लिए? यू और वी के लिए, ठीक है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं हमेशा आपको ये ध्यान रखना है यू एंड वी। तो अगर आप लाप्लास इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। हम हार्मोनिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, उस केस में इस फंक्शन को, फंक्शन ऑफ जेड यू प्लस आई वी, इस यू प्लस आई वी को इन दोनों टर्म के लिए, यू और वी इन दोनों के लिए आपको क्या सेटिस्फाई करवाना है? लाप्लास इक्वेशन को। अगर ये लाप्लास इक्वेशन इन दोनों के लिए सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स ये यू और वी किस टाइप के फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन है। ये हार्मोनिक फंक्शन और ये हार्मोनिक फंक्शन सेम साउंड कर रहा है बेटा। अब वो उसको डिफाइन किया उन्होंने, एनालिटिक फंक्शन को भी वो हार्मोनिक फंक्शन बोल रहे हैं और इस वाले केस में भी हार्मोनिक फंक्शन बोल रहे हैं। तो एनालिटिक के लिए जनरली एनालिटिक टर्म ही यूज़ होती है, ये बहुत कम यूज़ होती है टर्म, ठीक है। तो अगर वो हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तब आपको क्या करवाना है? उसको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है दैट मीन्स यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। अब उसके बाद इसमें एक और उसमें डेफिनेशन जाती है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? जो दो एक साथ में रहते हैं। अब यू वी क्या होते हैं? हमेशा यू वी किसके फंक्शन है? यू वी हमेशा साथ में आएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो वो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब इस यू वी में, अच्छा देखिए यहाँ पे हार्मोनिक लिखा है मतलब लाप्लास इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कॉन्जुगेट उसमें टर्म ऐड हो जाती है, दैट मीन्स वो किस टाइप के फंक्शन हो? एनालिटिक फंक्शन हो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है मतलब वो सी आर इक्वेशन होल्ड कर रहा है, दूसरी चीज़ वो लाप्लास इक्वेशन भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर एक साथ हैं, दोनों टर्म वो होल्ड कर रहा है, उस केस में फिर ये जो यू और वी हैं वो यू और वी क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन का मतलब यही है कि वो लाप्लास इक्वेशन भी फॉलो कर रहे हैं और एनालिटिसिटी भी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली लैंग्वेज आती है इक्वेशन में, न्यूमेरिकल्स में, ये प्रूफ दिस फंक्शन इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, तो आपको फिर दो चीज़ प्रूफ करवानी है। एक तो हार्मोनिक के लिए ये दोनों लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, यू और वी दोनों के लिए करवानी पड़ेंगी, और फिर एक सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन किसके लिए? एनालिटिसिटी के लिए, और ये लाप्लास इक्वेशन किसके लिए? हार्मोनिक फंक्शन के लिए। ये दो चीज़ें आप सेटिस्फाई करवाएंगे तब आपका फंक्शन क्या होगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। थैंक यू।